आइए और जानकारी लेते हैं हमारे बीच में शैलजा लस्सी जो JNU से हैं, और आइए आज की जो रैली का जो क्या तात्पर्य हम पूछते हैं। शैलजा जी, आज जो ये रैली हो रही है हुंकार रैली, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, मेन जो हमारी डिमांड है यहाँ पे, कई सारे युवा नेता आएंगे और मेन जो हम डिमांड रख रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है भीमसेना के सहारनपुर में, जिनको जो है 6 महीने से लगातार बंद रखा गया है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी प्रूफ के, उनको रिहा किया जाए। इसी तरीके से आप देखते हैं जिस तरह से गुजरात में हार्दिक पटेल को, जिग्नेश मेवानी को बार बार जेल भेजा गया, युवा नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ जो केसेस हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे और पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जितने केसेस थे वो ख़त्म कर दिए, लेकिन चंद्रशेखर के खिलाफ झूठा मुकदमा चल रहा है। पहले वो सेडिशन के मामले में छूट गए, फिर उन पर रासुका लगाया गया। ये हमारी मेन डिमांड है। इसके अलावा हम मोदी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आपने शिक्षा के बारे में क्या किया, आपने रोजगार के बारे में क्या किया? हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, नोटबंदी में जो पब्लिक मनी का लूट हुआ, जो GST लगाया गया, इस सब से जो लूट मचाई गई पब्लिक के पैसे की, उस सब का क्या हुआ? आपने स्वच्छ भारत के नाम पे टैक्स आपने 2.5% का लगाया, उसका आपने क्या किया? तो ये जो मूलभूत मुद्दे हैं, इन पर सरकार से कोई सवाल नहीं उठ रहा है। हम ये सारे सवाल सरकार से उठाना चाहते हैं। चलिए, अभी एक ये आपने जो यहाँ रैली कर रहे हैं, उस रैली को बाधा पहुँचाई जा रही है कि यहाँ लोग इकट्ठे ना हों, ये क्या है, क्या कारण है? देखिए, ये जो है सरकार जानबूझ के कर रही है पुलिस के द्वारा, वो लोग जानबूझ के डिमोबिलाइज कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे ना आए, इसके लिए मतलब डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को आने से, अफवाह फैला रहे हैं। क्या शैलजा जी, क्या आज ये जो भारत की सरकार है या जो स्टेटों की सरकार है, आज युवा नेताओं से क्या इसको भय लग रहा है या डर है? जी, आप जैसे देखिए अभी जिग्नेश मेवानी का पूरा जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार है, वो कैसे, वो हमने क्राउड सोर्सिंग किया, किसी ने 200 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 20 रुपये दिए, इस तरह से पूरा कैंपेन चला। इस रैली के लिए भी हम लोगों ने 1.5 लाख रुपये ऐसे ही इकट्ठा किए, किसी से 20 रुपये, किसी से 100 रुपये लेकर के, तो जनता ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हमारे पास जिग्नेश का पोस्टर लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन आप यहाँ से पटेल चौक के बाहर जाएंगे, आप देखते हैं वहाँ पे RSS ने जिग्नेश के खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा कहाँ से आया, उसका उन्होंने हिसाब दिया, उस पर उन्होंने टैक्स दिया, उसका उन्होंने पेटीएम से पेमेंट किया या भीम ऐप से पेमेंट किया, कैसे किया? तो ये जो सरकार के पास काला धन है, जो इतना मतलब ये पूंजीपतियों की सरकार है, वो जिस तरह से हम लोगों से इसलिए डरती है क्योंकि हम लोग बिना पैसे के, बिना किसी चीज़ के हम लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे पास कुछ कोने को नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेल में डाल देंगे, उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इन लोगों को डर लगता है। शैलजा जी, क्या जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, संविधान के तहत धरना प्रदर्शन करना भी क्या उचित नहीं है इनकी नज़रों में? नहीं, ये तो धरना प्रदर्शन तो ये तो मतलब संविधान का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है वो हमें यूनियन बनाने का हक देता है, वो हमें फ्री एसोसिएशन विदाउट आर्म्स उसका हक देता है, यानी राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू यूनियन, ये सारा हमें आर्टिकल 19 से मिलता है। तो ये तो संविधान का मतलब कोर है कि आप जो है आप अपनी आवाज़ उठाएं। और RSS तो हमेशा रैली करता है जी, ऐसा तो नहीं है वो रैली नहीं करते। अभी उनका कोई गिरफ्तार हो जाए तो वो भी रैली करेंगे। अभी जैसे जो शंभू लाल है, जिन्होंने जो है अफराजुल की हत्या की, उसके लिए ये लोग उदयपुर कोर्ट में जाकर के इन्होंने भगवा झंडा फैलाया उदयपुर कोर्ट के ऊपर, तो उस टाइम कौन सी परमिशन ली थी उन्होंने? परमिशन ली थी? हम तो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, वो तो उस टाइम कातिलों का मुद्दा उठा रहे थे। तो ये बात है। शैलजा जी, क्या आज युवा अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से बरकरार, ये मतलब इस तरीके रैली वगैरह करता रहेगा, या मतलब आज की रैली करके वो शांत हो जाएगा? देखिए, युवा तो सब जगह रैली, प्रदर्शन, आंदोलन सब कर रहे हैं। बात यह कि हम लोग इसके बारे में सुनते नहीं हैं। आप जैसे आज की रैली का खास फीचर क्या है, माने ये दिल्ली के नेताओं के लिए नहीं है आज की रैली। जो है अखिल गोगोई आएंगे आसाम से, वो पिछले 108 दिन से जेल में है क्योंकि वो वहाँ किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, जिन किसानों को फ्लड से डिस्प्लेसमेंट हुआ था। जिग्नेश गुजरात से हैं, अभी पूजा है वो लखनऊ से है, वहाँ पे उनको आदित्यनाथ के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए 1 महीना जेल में रखा गया बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चीज़ के। इसी तरह से जो बाकी युवा नेता है, तो पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई लखनऊ से है, कोई कहीं से है। तो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में सुनते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे, क्योंकि दिल्ली से जो भी होता है पूरे देश में जाता है, तो वो जो एक नेशनल मंच है इन सारे आवाज़ों को मिले, ये हम चाहते हैं। युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस जो बाबा साहब का जो मेन जो उन्होंने स्लोगन दिया था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, संगठित होइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और एकजुट होकर लड़िए।
Bye.